अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है हमारा होंडा सिटी 2003, जो प्रोजेक्ट चल रहा था आपने देखा था, रिसेंटली पेंट हुई है और भी आपको गाड़ी की कंडीशन दिखाते हैं। आज की प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं होंडा सिटी की। माशाल्लाह से इस पर सेटिंग हो गई थी और अभी जो है कंपाउंड हो चुकी है। शाइन आप देख सकते हैं, अभी इस पर डस्ट है और सामने रिफ्लेक्शन वगैरह अगर आप देखें तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो गया। अभी ये एक साइड हमारी कंप्लीट हुई है, फ्रंट अभी रहता है। ये देखें, इसमें डिम पन है। ये वाली साइड भी तकरीबन हुई है पर मेरा ख्याल अभी तक प्रॉपर पूरी नहीं हुई है। अभी प्रॉपर जो हुई है वो हमारी पैसेंजर वाली साइड है। तो साथ साथ आगे इंशाल्लाह अब इसकी फिटिंग होनी है। इंटीरियर वगैरह कुछ कुछ साफ़ हो चुके हैं, छत वगैरह, तो अब इंशाल्लाह इंस्टॉलेशन साथ साथ स्टार्ट हो जाएगी। सिटी की क्या अपडेट्स हैं जी, सिटी का दरवाज़ों का सामान लगाया जा रहा है, जिसमें अभी आप अगर देखें तो पीछे के शीशे लग गए, तो पीछे की जो केबल्स हैं लोहे की स्टील की वायर्स वगैरह वो लगाई जा रही हैं। छोटी मोटी जो चेकिंग्स हैं वो हो रही हैं, तो साथ यानी कि अंदर का जो सामान है अब उसको लगाना स्टार्ट कर लिया है। छोटे ये ताले शाले लग जाएँ, फिर वायरिंग का जो साथ साथ काम करना है उसको वाइंड अप करते हैं और फिटिंग्स की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट डे है और आज की प्रोग्रेस अच्छी जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं क्वार्टर ग्लास लग गया है, दरवाजे के अगले शीशे नहीं लगे हुए थे वो हमारे लग गए, हैंडल आप देखें हैंडल हमारे लग गए। माशाल्लाह से प्रोग्रेस अच्छी जा रही है इस वक्त। अंदर स्पीकर वगैरह लग गए हैं, छोटी मोटी वायरिंग्स जो हैं दरवाज़ों की वो लग चुकी है। अंदर से आप देखें तो माशाल्लाह से छत का कपड़ा लग गया है। छत का कपड़ा लगने के बाद सनशेड्स, हैंडल्स, तो ये हमारी छोटी छोटी चीज़ें लग गई हैं। सीट बेल्ट्स लग गई हैं, साइड के कवर लग गए हैं, हैंड ब्रेक लग गई है, डोर के रबर्स वगैरह लग गए हैं। पीछे आते हैं तो टेल लाइट्स वाली साइड आप देख सकते हैं, बैक बम्पर लग गया है माशाल्लाह से। इसके अलावा जी टेल लाइट्स लग गई हैं, पीछे स्पीकर बोर्ड लग गया है, स्पीकर बोर्ड के साइड के कवर सी पैनल के कवर लग गए। अंदर से यहाँ नीचे से देखें स्पीकर भी लग गए, तो प्रोग्रेस अच्छी। ट्रंक का रबर आ गया हमारा और लाइट्स जैसे आपको याद है नई लगाई थी। इस साइड से भी हमारे हैंडल वगैरह कंप्लीट हो गए। ये देखें दरवाज़ों के रबर वगैरह ये सारी चीज़ें भी लग गई हैं, तो प्रोग्रेस अच्छी जा रही है। अभी मज़ीद फिटिंग्स होनी है साथ साथ, बस अब और प्रोग्रेस हो इंशाल्लाह और फिट हो जाएंगी तो फिर मज़ीद शक्ल क्लियर होती जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी आफ्टर फिटिंग्स। ये नेक्स्ट डे है और आप देख सकते हैं होंडा सिटी माशाल्लाह से चमक रही है। फिटिंग्स के जो छोटे मोटे काम होने थे वो तकरीबन हो चुके हैं। खड़ी भी क्यों है, डिले क्यों आ रहा है, वो ये है कि अभी इसकी सीट की पोशिश वगैरह, गत्तों की पोशिश वगैरह और छोटे मोटे जो इस टाइप के काम हैं उसके लिए वेट किया जा रहा है। पोशिश वाले को रिक्वेस्ट की है कि वो आ जाए इधर ही और काम देख जाए ज़रा। काम देख गए यानी कि बस अब उसने सामान लेके जाना है, काम करके लेके आना है, तो फिर इसकी आगे की फ़िटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मीनवाइल फिर ये होगा जो इसके ऑटो डोर लॉक्स वगैरह, विंडो वगैरह उसको एक्टिव करना है, वो फिर उसामा भाई इस पर काम करते रहेंगे। आगे की प्रोग्रेस ऐड ऑन करते हैं तो व्लॉग को करेंगे कम्प्लीट और आपको दिखाएँगे। आज नेक्स्ट डे और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी होंडा सिटी काफ़ी हद तक काम हो चुके हैं। प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो क्यों थी, उसका ये रीज़न था कि इसकी सीटें पोशिश वगैरह के लिए गई हुई थी और अभी तक खैर आई नहीं है। फिर प्रोग्रेस में ये है कि आप इसकी देख सकते हैं विंड स्क्रीन हमारी माशाल्लाह से इंस्टॉल हो चुकी है। इसके अलावा इस वक्त काम क्या किया जा रहा है, तो काम इस वक्त हो रहा है हमारा वायरिंग से रेलिवेंट। उस तरफ चलते हैं उसामा भाई के पास और आपको दिखाते हैं। तो पीछे की विंड स्क्रीन भी लग गई है, ये देखिए पीछे से भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और इस वक्त उसामा भाई काम कर रहे हैं। सीट बेल्ट्स वगैरह तो लग गई थी, अभी इसका जो है ये मास्टर बटन आप कह लें, क्या कर रहे हैं उसामा भाई? इसका हम कर रहे हैं ये रिटेक्ट मिरर के, और इसके अलावा बाकी सेटिंग सेंटर लॉक वगैरह कर रहे हैं। तो यानी कि अभी गाड़ी क्योंकि खुली भी थी तो जैसे होते हैं वायरिंग के छोटे मोटे काम, उसके बाद जाहिर है डोर कार्ड ये चीज़ें लग जानी है, तो उससे पहले इसको कर रहे हैं। ओके करामत भाई भी आ गए, सामा भाई से हम डेक चालू करवा रहे हैं। इसके मिरर जो लेके आए हैं जी, पहले सादे थे। अच्छा अच्छा तो
ये सईद भाई ने कहा है कि जी मुझे रिटेक्ट वाले मिरर चाहिए। अच्छा अच्छा, और साथ में इंडिकेटर भी कनेक्ट, इंडिकेटर भी है इसमें। अच्छा, इंडिकेटर वाले दो ऑप्शन है, चलें ये अच्छा ऐड ऑन है। बाकी इसकी सीटें मैं बता रहा था दी हैं पोशिश के लिए ना। हाँ जी हाँ जी, सीटें बस बन चुकी हैं। अच्छा, आजकल में आ जाएंगी सीटें, तो फिर हम इसको अंदर से भी कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस इसीलिए था डिले, क्योंकि सीट्स वगैरह दी थी पोशिश के लिए, बाकी छोटा मोटा जो फिटिंग का काम था वो हो चुका है कंप्लीट। इसके अलावा ये अब्दुल वहाब हैं, ये भी वायरिंग मास्टर हैं, यहाँ पर सीख रहे हैं अभी उसामा भाई से, ये इनके बड़े भाई हैं। तो बस अभी पोशिश के नीचे जो है कारपेट वगैरह साफ़ हो गए, वो फिट होना है, छोटी ये पैकिंग वगैरह का सामान। इसके अलावा करामत भाई बोल रहे थे अंदर की जो मैटिंग पोशिश होती है वो लेदराइट वाली, वो लगानी है, वो मेरा ख्याल लगा लेंगे तो ज़रा ये कि सेफ हो जाता है कारपेट, गंद उस तरह नहीं होता, मगर एक वो क्लीन लुक कारपेट में ही आती। या तो इसके लिए काबली कारपेट ले लेते अगर थोड़ा सा कमज़ोर था, और उस पर मैट्स, फ्लोर मैट जो होते हैं वो कोई अच्छे से लगा लिए जाए ना, तो वो बड़ा प्यारा लगता है। दूसरे वाली वो मैटिंग में ये एक थोड़ी सी लोकल वाली वाइब आती है, जैसे टैक्सीज़ में यूज़ करते हैं थोड़ा कमर्शियल यूज़ के हिसाब से। हाँ, वन हैंड यूजेज हो तो फिर कारपेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो लगता अच्छा है और ख़ूबसूरती भी रहती है गाड़ी के रूम में। खैर, ये थी अभी तक की हमारी अपडेट्स हमारी होंडा सिटी के हवाले से, क्योंकि डिले काफ़ी हो गया था। ऑनर के भी मुझे दो तीन दफ़ा कमेंट्स आ चुके थे, पूछ रहे थे, पर क्या कर सकते थे, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अपकमिंग ब्लॉग में नई अपडेट्स मिलेंगी। चैनल पे जो लोग नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।